फ्रेंड्स, आज जो मैं बताने वाली हूँ वो है हेयर स्टाइल। एंड बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही कम हेयर क्लिप की मदद से आप बहुत ही सुंदर सा हेयर स्टाइल बना सकते हो साड़ी के लिए। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए, ज्यादा बातें ना करते, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए एक कॉम एंड इस टाइप का एक रबड़ बैंड। ओके, इस टाइप का एक रबड़ बैंड चाहिए, इसकी मदद से हम बनाएंगे आज जो हेयर स्टाइल बनाने वाले हैं। तो ये मेकअप लुक जो मैंने किया हुआ है, इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा कैसा लग रहा है मेकअप, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बहुत इजी वे में, बहुत ही स्टाइलिश स्टाइलिश टिक्स एंड टिप्स मैं बताती हूँ, सॉरी, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसानी से करने वाली टिप्स मैं बताती हूँ मेकअप से रिलेटेड। और मेकअप की बारीकियाँ जो होती हैं वो सारी चीज़ें क्लियर करते रहती हूँ। तो चैनल पर बने रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी जा सके। तो इस तरीके से साड़ी के लिए बना रहे हो तो आप सेंटर पार्टीशन कर सकते हो। सेंटर पार्टीशन करने के बाद से आप चाहो तो साइड पार्टीशन भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। और पार्टीशन नहीं रखना है तो भी बना सकते हो आप ये हेयर स्टाइल। तो इस तरीके से पार्टीशन किया हुआ है बालों का। एंड इस तरीके से हाफ हेयर ले लूँगी दोनों साइड से। ओके, और एक पतला वाला रबर बैंड लेंगे यहाँ पे हम लोग। ओके, सेंटर से इसको इस तरीके से रखेंगे, होल करेंगे एंड ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ को खींच देंगे हेयर को। एंड थोड़ा थोड़ा सा हेयर को इस तरीके से खींच लेंगे और यहाँ से टाइट कर देंगे। ओके, अभी जो हेयर निकल रहे हैं ये मेरे बैंग्स हैं, ये मैंने कट किए थे, तो इसको आप निकलने दीजिए। क्राउन एरिया से हेयर को थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे ताकि वो बिल्कुल भी फ्लैट ना लगे। और जो हेयर निकल रहे हैं उसको निकलने देंगे। अब सारे बालों को कॉम करेंगे और एक रबड़ बैंड लेंगे। अगेन इस रबड़ बैंड को थोड़ा नीचे की तरफ खींच लेंगे इस तरीके से, और हेयर को नीचे की तरफ इस तरीके से खींचेंगे। ओके, अब जो ये हेयर बचे हुए हैं, बचे हुए हेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लंबे बाल है तो आप छोटी बना सकते हो, और छोटे छोटे हैं मेरी तरह, तो इस तरीके से सिंपली सॉरी क्रॉस करके आपस में इनको नीचे की तरफ से लेके जाएंगे, एंड अगेन ऊपर की तरफ लेके आएंगे, और सारे बालों को एक साइड करके बॉबी क्लिप की मदद से सिक्योर कर देंगे। ओके, इसको थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे और रबर बैंड को हाइड करेंगे। और दैट्स इट, ये आपका साड़ी के लिए खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनके रेडी है छोटे बालों में। तो अगर आपके बाल छोटे हैं और कुछ इजी ट्रिक में आप बन चाहते हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ, मतलब बहुत ही कम हेयर पिन के साथ। तो ये है फाइनल लुक, फ्रंट से कुछ ऐसा दिखेगा। क्राउन एरिया के हेयर को खींच सकते हो जिससे कि जो भी आपका फ्लैट लुक है वो हाइड हो जाए। और यहाँ पे अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल तो इस तरीके से बालों को फैला लेंगे एंड बॉबी क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर देंगे। इससे जो आपका लुक है और भी ज़्यादा खूबसूरत आ जाएगा आपके बालों का लुक। अंदर की तरफ क्लिप को हाइड कर देना है, क्लिप दिखनी नहीं चाहिए। ओके, दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से करना है, इस तरीके से फैलाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको आज का हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो। साड़ी के लिए बेस्ट है, छोटे बालों में लेयर कट है उन सभी के लिए ये हेयर स्टाइल बेस्ट रहेगा। फ्रंट से लेयर निकालना है तो आप निकाल सकते हो, और अगर नहीं निकालना है तो आप कान के पीछे रख सकते हो।
तो अगर आप साड़ी वाड़ी डाल दो, हैवी ज्वेलरी वगैरह पहन रहे हो, तो आप लेयर मत निकालिएगा, फिर पीछे की तरफ रखिएगा, काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। तो कैसा लगा ये हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की ईजी स्टेप देखने के लिए ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं, बाय बाय। देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे।